करना है वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा। इनके अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़िएगा या फिर इनका अर्निंग्स कॉल सुनिएगा। दो तीन चीज़ें जहां पर जो मैंने पहले हाईलाइट करा था, एक सबसे बड़ी दिक्कत एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। वहां पर मैनेजमेंट ने ये क्लैरिटी दी है कि अगले दो तीन साल में जो अभी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 22% के आसपास का है वो 15% के आसपास का ले जाएंगे। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझिए, अभी लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है। अगर दो तीन साल मान लीजिए कि अगर रेवेन्यू में कोई इंक्रीज होता भी नहीं है तो भी 4,000 करोड़ का 22% के हिसाब से 880 करोड़, अगर वो 15% हो जाता है तो 15% का कैलकुलेशन कितना हो गया, 600 करोड़, मतलब 280 करोड़ का मेरे को एबिटा में फायदा। अगर उसको टैक्स हटा के मैं मोटा मोटी करूं तो प्रॉफिट में मेरा 200 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट में, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट 7-8% घटने की वजह से 200 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट में आपको इनपुट आ जाएगा। अभी मौजूदा प्रॉफिट देखिए 160 करोड़ का है। तो मैं अगर रेवेन्यू ना बढ़ाऊं, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट ही कम कर दूं तो ही मेरा जो प्रॉफिट है यहां से डबल होने वाला है। हालांकि कंपनी ने ऑर्डर बुक के लिए बोला है कि जो अभी 8,500 करोड़ के आसपास का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ऑर्डर बुक थी वो 16,000 करोड़ के आसपास होती भी जाएगी। 16,000 करोड़, देखिए आपको ऑर्डर बुक का कन्विक्शन है, एम्प्लॉय कॉस्ट वो रियलाइज हो चुकी है उनको कि नहीं यहाँ पे आपको गिरावट करनी है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें जो कंपनी, अगर आप लगातार अगर आप देखें जो हर सेगमेंट की बात करें वहाँ पर कन्विक्शन जो है ऑर्डर बुक का अच्छा आता हुआ जा रहा है। तो एक BML एक कंपेरेटिवली सेफ बेट यहाँ पर हो जाता है कि जहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो कंपेरेटिवली है काफ़ी बढ़िया है। SIP के तौर पर भी आप इसको कुछ समय के लिए डेफिनेटली अगर आप लगातार गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो BML टारगेट रखेंगे 1950 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। तो BML